पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आपका चैनल बहुत बहुत आगे तक बढ़े। और ये जो आज का सत्संग है, ये पीरपैंती प्रखंड है, इस प्रखंड में ही परसबन्ना गांव में ये वार्षिक सत्संग है। प्रत्येक वर्ष इस महीने में यहाँ पे मैंने मासिक सत्संग होता है। ये मासिक सत्संग भी है पीरपैंती केंद्र का, और ये वार्षिक सत्संग भी है इस गांव वाले का। और इस मुख्य रूप से है कि इस क्षेत्र में संत मत का प्रचार हो, महापुरुषों के ज्ञान के माध्यम से परमात्मा की भक्ति को सीखे, लोग पांचों पापों से बचें और समाज में एक पवित्र परिवेश बने, पवित्र वातावरण बने कि वो अपने नैतिक उत्थान के विषय में, अपने राष्ट्रीय उत्थान के विषय में, अपने धर्म के प्रति बिल्कुल जागरूक हों। तो इस प्रकार के भावनाओं को और समाज में एक समतामूलक समाज की स्थापना हो, ये सारा उद्देश्य है सत्संग के प्रचार का। अगर आपको रोज देखना चाहे तो उसके लिए क्या सुविधा है? तो मेरा संत मत सत्संग पीयूष मेरा यूट्यूब चैनल है, इस माध्यम से आप मेरे अलग अलग प्रवचन को, बड़ा जब बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है तो डायरेक्ट लाइव भी होता है, नहीं तो यूट्यूब के माध्यम से आप मेरे प्रवचन को सुन सकते हैं। संत मत सत्संग पीयूष मेरा यूट्यूब चैनल है। और कोई संदेश देना चाहेंगे बाबा? संदेश तो यही देना चाहेंगे कि अभी हम लोगों ने मेरा एक ट्रस्ट है सदगुरु महर्षि में ही श्रद्धा सेवा ट्रस्ट, जो आयकर अधिनियम की धारा 80G के तहत रजिस्टर्ड है। और इस ट्रस्ट के माध्यम से हम लोगों ने अभी हरिद्वार में एक बड़ा सा भूखंड खरीदने का निर्णय लिया है, जिसमें लमसम 2.5 करोड़ रुपये लगेंगे, और वहाँ पर हम लोग बड़ा अन्य क्षेत्र चालू करेंगे जिसमें 10-20 हज़ार लोगों का प्रतिदिन भंडारा, साधु महात्मा का भंडारा, जनरल जो भी लोग अपने देश के आए, विदेश के आए, किसी राज्य के आए, निःशुल्क वहाँ ठहरने और भोजन की व्यवस्था करेंगे। जो तरीके से गुरुद्वारे में की जाती है, हाँ, जिस तरह से गुरुद्वारे में किया जाता है, बूढ़े बुजुर्ग को रहने की व्यवस्था हम लोग, वृद्ध आश्रम की व्यवस्था, बड़ा गौशाला हम लोग वहाँ चालू करेंगे। और आने वाले समय में इसके माध्यम से जब हमारा संपर्क लोगों के साथ बढ़ेगा, तब ये अपने देश में कहीं भी बढ़िया सा, जो पिछड़ा इलाका होगा वहाँ पर बड़ा हॉस्पिटल खोलने का हम लोगों ने सोच रखा है। ये सारा हमारे ट्रस्ट का उद्देश्य है। तो लोगों से यही चाहेंगे कि ट्रस्ट से जुड़ें, लोगों का सहयोग बढ़े, ताकि ये जो उद्देश्य है हम लोगों का, इस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस संसार में जो भी आया उसने दुख पाया है, इसलिए कहते शुद्धि करो प्यारे हो आपन देश के, जब वहाँ कलेश कछु नहीं। चलो अपने देश को जहाँ पर क्लेश का नामो निशान नहीं है, लेकिन वहां जाने के लिए निज काया गढ़ पे ऐन महल होए, अपने काया रूपी गढ़ में ही, काया रूपी किले में ही, इस शरीर रूपी किले में ही, निज काया गढ़ में ऐन महल होए। ऐन महल मतलब होता नेत्र महल, नेत्र महल हो करके रास्ता है उस निज देश में जाने का, जहां क्लेश नहीं है, जहां दुख का नामो निशान नहीं है। निज काया गढ़ में ऐन महल होए मतलब नेत्र महल हो करके आपन घर पद पाही, अपने घर जाने का रास्ता मिलेगा। लेकिन जाओगे कैसे? तो गुरु महाराज इशारा किए, चलो चलो यही पथ, इसी पथ से जाना है अपने देश में, उस काया रूपी गढ़ में ही, नेत्र महल हो करके ही जाना है, यही एक रास्ता है। जैसे सुनने के लिए सब आदमी में, चाहे हिंदुस्तान का हो कि अफगानिस्तान का हो, एक ही रास्ता है सुनने के लिए, वो है कान, उसी तरह देखने के लिए आंख, समझने के लिए नाक, स्वाद लेने के लिए मुंह या जिह्वा है, उसी प्रकार सब काम करने के लिए अलग अलग इंद्रियां हैं, उसी प्रकार परमात्मा के पास जाने का भी एक ही द्वार है, एक ही रास्ता है। और वह रास्ता है कहाँ? तो गुरु महाराज कहते हैं दोनों नेत्रों के बीच में, नये नासिका के बीच में, दोनों नेत्रों के बीच में वो रास्ता है। संत तुलसी साहब तो कहते हैं, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलासे यार में, रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। अगर उस दिलबर परमात्मा या अपनी देश में जाना चाहते हो तो वो कहते हैं करना इसी रास्ते से जाना पड़ेगा, चलो चलो यही पथ हांकत दृष्टि रथ, इसी रास्ते से जाना है, दृष्टि रूपी रथ को हांकते हुए जाना है, मतलब दृष्टि रूपी रथ पर सवार होकर के चलना पड़ेगा, चलो चलो यही पथ हांकत दृष्टि रथ, धनी सदगुरु बतलाई। इस ज्ञान के जो धनी संत सदगुरु हैं, ये ज्ञान की पूंजी जिस सदगुरु के पास है, वे बतला देंगे, चलो चलो यही पथ हांकत दृष्टि रथ, धनी सदगुरु बतलाई। इस ज्ञान के धनी जो संत सदगुरु हुए, उन्होंने ये रास्ता बतलाया है, जौन नहीं समझो
सदगुरु पद गहू प्रगट सदगुरु आही, बाबा देवी साहब प्रगट सदगुरु में ही जा पद बलि जाही। हम उनके चरण पर बलि बलि मन बार बार दंडवत बंदगी बजाऊं, शरणागति हो जाऊं मैं हो गया, इसलिए कि प्रत्यक्ष में अगर जागृत और जिंदा कोई सदगुरु है तो वो बाबा देवी साहब है। आप भी अगर नहीं समझते हैं तो इन बातों को समझने के लिए संत सदगुरु की शरण ले, और यही काम करने के लिए हम आए हैं संसार में, यही काम करके हम उस परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं, जहां वो प्रत्यक्ष विराजे वहां हम पहुंच सकते हैं। ये काम इसी मनुष्य शरीर से होना है, लेकिन है क्या कि दिन बीतत जावे आयु खुटावे, भजो भजो प्रभु नाम, दिन बीतता चला जा रहा है आयु घटती चली जा रही है, और बस एक ही काम कर लो ने, और काम करने के चक्कर में रहोगे जो मूल काम है यही छूट जाएगा, और मूल काम अगर छूट गया तो दोहरा करके बाबा कबीर कहते बार बार नर दे नहीं अबीर दे, चेत सके तो चेत कहे कबीर दे, बार बार ये देह मिलने वाला नहीं है, जो काम करने के लिए दिया है शरीर और वही काम नहीं किया तो दोहरा के शरीर नहीं देगा, और यही एक काम है जिस काम के चलते मनुष्य पशु से श्रेष्ठ भी है, और जीवों से श्रेष्ठ बनाने का एक ही काम है, वो है भक्ति का काम, वो परमात्मा के डगर पर चलते हो, उस परमपिता परमात्मा के देश में चलकर उस अपरंपार परमात्मा का साक्षात्कार कर ले, यही काम करने के लिए हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है। लेकिन दिन बीतता जा रहा है, आयु घटती जा रही है, और शरीर भी कैसा है, गुरु महाराज लिखते हैं औचक ही गिरी जाए पल पल छिजत दे रहत छिजत सदा, औचक ही गिरी जाए रहत छिजत सदा, कब ये गिर जाएगा, अभी है। एक दिन देखा हमने एक बेटा बैठा है बगल में मोबाइल देख रहा है, माँ है बगल में, एक बार इशारा की तो बेटा हाथ झिड़क करके फिर मोबाइल देखने के चक्कर में, फिर माँ इशारा करती है फिर मोबाइल देखने के चक्कर में फिर हाथ झिड़क दिया अपने माँ का, और तीसरे बार झिड़क करके जो शांत हुई बेटा मोबाइल देखते ही रह गया, 20 मिनट के बाद माँ को देखा वो हार्ट अटैक से मर चुकी थी। मैं हरिद्वार में था, यही लगता है कि लगभग एक वर्ष हो गए, पूज्य गुरु प्रसाद बाबा के आश्रम में मैं वहीं बैठा था, दो देवर भाभी आए उनके आश्रम में, हमने ही अपनी गाड़ी भेज दी रेलवे स्टेशन तक कि माता जी आप आ जाइए, मेरी गाड़ी है मैं भेज देता हूँ रेलवे स्टेशन, आप आ जाइए उस गाड़ी से। वो आ गई, आई थी अस्थि विसर्जन करने के लिए अपने पति का, जब हमने देखा उनको फुट फुट करके रोने लगी, वो क्या कहते हैं किसी कॉलेज के लेक्चरर होकर के रिटायर किए थे, अब वो नए प्रिंसिपल होकर के, पत्नी भी टीचर थी, अब वो बोली कि महाराज कोई बीमारी नहीं, हम दोनों पति पत्नी दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक की बातें चल रही थी, पति मेरे बगल में बैठे, देखते देखते 2 मिनट नहीं लगा मेरे सामने में दुनिया से विदा होकर चले, तौचक ही गिरी जाए रहत छिजत सदा, तो कब गिर जाएगा इसका ठिकाना नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं बस एक ही काम कर लो, भजो भजो प्रभु नाम, परमात्मा के नाम का भजन कर लो, नाम का स्मरण कर लो, क्यों तो कहते हैं परिजन धन सारा, जितना परिजन है आपके कर कुटुंब है कि धन जिस प्रकार का आपके पास, और धन में का सुत वित्त दारा, बेटा बेटी है कि धन दौलत है कि आपकी पत्नी रूपी पूंजी है या पति रूपी पूंजी है, परिजन धन सारा सुत वित्त दारा नहीं आवे को काम, या अंतिम मकाम नहीं आएगा, और अंतिम कहते निज तन छुट्टी जावे काम ना आवे, भजो प्रभु को प्रतियाम हर क्षण भज लो परमात्मा को, क्योंकि ये परिजन धन सुत वित्त दारा कोई काम नहीं आएगा, अंतिम निज तन भी छूट जाएंगे। सहजोबाई कहते यही कही गुरुदेव जो यही पुकारे संत, सहजो तज या जगत को तो ही तजे गो अंत, सहजो भज हरि नाम को तजो जगत सुने, अपनो तो कोई है नहीं अपनी सगी न दे, ये सगा देह भी आपका नहीं है ये भी साथ छोड़ देने वाला है, कब छोड़ देगा वो भी कह के नहीं छोड़ेगा। तो गुरु महाराज कहते सब विषय पसारा भव की जारा, ये भव में फंसाने वाला जाल है जाल, ये विषयों का जो पसार है, चाहे बढ़िया रूप के तरफ जाइए कि बढ़िया शब्द के तरफ जाइए, बढ़िया रस के तरफ जाइए, स्पर्श के तरफ जाइए, जिधर जाएंगे ये सब विषय का जो पसार है, जिधर भी जिनको देख करके फूले नहीं समाते हैं, कहते हैं सब भव का जाल है, भव सागर में फंसाने वाला जाल है, जाल उधर ही ले जाकर के फंसाएगा, इसलिए कहते हैं सब विषय पसारा भव की जारा, या मैं नहीं आराम, भव जाल में फंस करके रहेंगे तो आप आराम में रहेंगे क्या, जाल में जो मछली फंस गई वो खैर मनाए हो के बस
बस यही है कि बकरी के गले पर, मछली के गले पर जब तक छुरी नहीं चली है ना, तो सब विषय पसारा भव की जारा, या में नहीं आराम। अब प्रभु केवल साचा, अगर आराम चाहते हो, इसमें आराम नहीं है जाल में फंस करके, आराम चाहते हो तो प्रभु केवल साचा, और सब कांचा मतलब सब विनस जाने वाला है, एकमात्र परमात्मा विनसने वाले नहीं है। इसलिए अविनाशी सुख जब भी देंगे तो परमात्मा देंगे, तो सब विषय पसारा भव की जारा या में नहीं आराम, और प्रभु केवल साचा अरु सब कांचा, भजो प्रभु को प्रतियाम, हर क्षण हर पल परमात्मा का भजन करें। और अंत में कहते हैं अंतर पद चालो, परमात्मा का भजन करना चाहते अंतर पद चालो, और अंतर पद चल करके ही प्रभु को पालो। जब भी प्रभु को पाना चाहते हो तो अंतर पद चल करके ही पाना होगा। बाहर कब पाएंगे, जब अंदर में आप पहचान कर लेंगे तो बाहर में भी कहीं भी पहचान कर लेंगे, और जब तक अंतर घुस करके उनकी पहचान नहीं कर पाएंगे तो बाहर में कहीं भी आज तक किसी को नहीं पहचान हुआ है तो आप भी नहीं पहचान पाएंगे। अंतर पद चालो, प्रभु को पालो, प्रभु बिनु नहीं विश्राम, उनके बिना विश्राम नहीं है। जैसे देखते हैं ना, अब पानी को बहा दीजिए एक बाल्टी, बस पानी चलना शुरू करेगा, यहाँ से जाएगा नाले में, नाले से बड़े नाले में, वहां से नदी में, वहां से गंगा नदी में, वहां से सागर में, जब तक महासागर में नहीं जाए तब तक पानी को चैन नहीं है। आग की लपट उठती है तो देखते हैं हमेशा ऊपर की ओर, इसलिए को सूर्य को पाना चाहता है, जब तक वो मिले नहीं तब तक उसके जीवन में चैन नहीं। एक मिट्टी का ढेला ऊपर फेंक दीजिए तो यहां से उड़ता हो जाएगा, अब मिट्टी का ढेला फिर चलते रहेगा, कब तक, जब तक पृथ्वी में आकर के नहीं मिल जाए। तो उसी प्रकार गुरु महाराज कहते हैं अंतर पर चालो, प्रभु को पालो, प्रभु बिनु नहीं विश्राम, प्रभु के बिना विश्राम नहीं, चैन नहीं, इसलिए कि हम उन्हीं के अभिन्न अंश है, जब तक उसको पा नहीं लेंगे तब तक चैन नहीं है। प्रभु बिनु नहीं विश्राम, इसके लिए गुरु भेद लो सारा, सब लो गुरु का भेद लो, और खोलो द्वारा, गुरु का भेद लेकर के उस द्वार को खोलो। अब मैं ही पहुंच प्रभु धाम, प्रभु धाम में जाना चाहते हैं, गुरु भेद लेकर के उस द्वार को खोलो, जिस द्वार से हम परमात्मा के धाम में जा सकते हैं, वो द्वार दोनों नेत्रों के बीच में है। इसके लिए गुरु महाराज कहते हैं दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना, और तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींचला, अपने सूरत को खींच करके कहां लाना है तो तिल द्वार तक लाना, भागे हुए सूरत को संसार के तरफ बहके हुए सूरत को समेट करके तिल द्वार के सीधे लाना, तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींचला, और अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना, अनहद धुनों को सुन सुन करके धीरे धीरे स्थूल और सूक्ष्म के केंद्र से जो अनहद धुन सुनते हैं उसको सुनिए, वहां से सूक्ष्म और कारण के केंद्र से जो आवाज आती है, कारण महाकारण के केंद्र से जो अनहद धुन को सुनते हैं, इन सारे क्रम क्रम से इन सारे धुनों को सुनते हुए अब चढ़ते हुए आगे बढ़ते जाइए, और अंत में कहते हैं पंचम बजे धुर घर से जहां आप विराजे, परमात्मा जहां विराजते हैं वहीं से वो ध्वनि आती है पांचवी नौबत, पंचम बजे दूर घर से मन अटल घर से, मन परमात्मा के घर से वो आवाज आती है पांचवी जो नौबत है, और गुरु की कृपा से मैं ही तहां पहुंची खजना, गुरु की कृपा ले लीजिए, और वहां पहुंच करके उस सार शब्द की पहचान करके जो परमात्मा के केंद्र से आती है, जिसके विषय में गुरु महाराज लिखते हैं अव्यक्त अनादि अनंत अजय अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा, जिनसे कही स्फोट है सो है स्फोट वही उद्गीत वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही है परमात्म प्रतीक वही, वो परमात्मा का प्रतीक है, उस नाम रूपी कल्प तरु के अंदर में जाकर के हम सुख तलाशेंगे, उनको छोड़ करके कभी सुख मिलने वाला नहीं है। आवश्यकता इन बातों को सुन करके अपने जीवन में उतारने की, लेकिन ये काम वही कर पाएगा। ध्यावे अति लव लावे जोई अरु सदाचार पाले दृढ़ होई सो में ही सो दुर्लभ पावे नहीं फिर भव में भटका खावे। जो अति से ध्यान अभ्यास करेगा, बैठने की आदत लगाएगा, बिना बैठे की बैठने की आदत लगाए काम होने वाला नहीं है, तो लव लगा के ध्यान करना और दृढ़ता के साथ सदाचार का पालन करना, इसमें लचर पचर नहीं करना, पांचों पापों सदैव सजग रह करके, और संतवाणी माया दो ठग पांच चोर और दो डकैत, साधना में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, चरणदास जी महाराज कहते हैं हरि के नगर में जा पहुंचोगे पहियो लाव पारी, चरणदास तो कु समझावे रे मन बारंबारी,
हरि के नगर में जाओगे तो अपार लाभ पाओगे। जैसा जैसा चाहते हो तुम्हारी अपनी मौज और मर्जी हो जाएगी, जैसा चाहोगे वैसा ही होने लगेगा। हरि के नगर में जाओगे, इसलिए चरणदास जी महाराज कहते हैं दो ठग मारग माही मिलेंगे, तो उससे सावधान रहिएगा। ये कनक और उनके साथ में जो शब्द दिया, ये संतों की पैनी नजर उन चीजों पर पड़ती है, वो जानते हैं भक्ति के रास्ते में कौन कौन बाधक है। भले ही नेह बना जोड़ करके रखिए, लेकिन अंदर से सजग रखिए अपने आप को कि हम किनके शिष्य हैं, हम महात्मा हैं कि गृहस्थ हैं, जो भी हैं, लेकिन हम शिष्य किनके हैं। वो पूंजी कभी डूबनी नहीं चाहिए, तो सजग रहिए। और नहीं तो बस बहुत हेल मेल प्रेम में देखते हैं, भीतर जा रहा है सब बबे जी लोग घुसता है और दोष देगा दूसरे का, ये माँ बहन ये खराब चल रहा है उसका, इस साध्वी का बढ़िया चल रही, सब गंदा चीज। अपने चरित्र को सजा के नहीं रखा, दोषारोपण दूसरे पर करेगा। तो दो ठग कनक और नारी से सावधान रहिएगा, कनक कामनी से सावधान रहने की आवश्यकता है। और ऐसा नहीं है अपने दूसरे के कुएं में डूबने से ही जान जाती है, ऐसी बात नहीं है। तैरना नहीं जानते तो अपने कुएं में भी डूबने से जान जाती है। तो हमेशा सजग रहिए। ये दो ठग और पांच चोर है जो हमेशा भक्ति के रास्ते को रोकता है, आंख कान नाक जिभ्या त्वचा, ये हमेशा आपके भक्ति के रास्ते में चोरी करने का काम करता है। तो इससे बचने के लिए सदगुरु नायक के संग में चल, सदगुरु को सेनापति बना के आगे रखिए। और दो डकैत है वो आलस्य है और गुनावन है। ध्यान करने के समय में जहां आलस्य न गए तो सब पूंजी डुबा देगा, एक बार में ही खत्म। क्या कर रहे हैं, बस आंख बंद करके बैठे हैं और गए हैं नींद में, सब चोरी डकैती में चली गई सारी पूंजी। दो ठग और पांच चोर और दो डकैत से बचा करके तब चरणदास जी महाराज कहते हैं हरि के नगर में जा पहुंचोगे पहियो लाभ पारी। चरणदास तो कुछ समझावे रे मन मारग मारी, जिसके लिए आवश्यकता है मद मान मत सरिये, दुर्गुण है जितने इन्हें कोस लाखों, हटाना पड़ेगा। सदाचार जग में अलौकिक सुमन है, हृदय वाटिका को सजाना पड़ेगा। भजन करना है तो भाड़ा भरम का प्रथम दूर सिर से हटाना पड़ेगा। इसके लिए संत सदगुरु चरण में अटल प्रीति प्रतीत लाना पड़ेगा। सदगुरु के चरण में पूरा पूरा भरोसा रखिए, पूरा विश्वास रखिए। विश्वास को डोलने मत दीजिए, पक्का भरोसा लेकर के कि नहीं कि चरणों में हमारा कल्याण होना। बाबा देवी साहब को चिट्ठी लिखे गुरु महाराज कि गुरुदेव आप जो दीक्षा बताए ना हमको संदेह होता है, कुछ नहीं झलकता है। एक चिट्ठी, छोटी सी चिट्ठी आई गुरु महाराज को, बोले लाला आने वाले समय में अगर कोई सच्चे सदगुरु मिलेंगे वही भजन भेद बताएंगे जो मैंने तुमको बतलाया है। मेरे दीक्षा पद्धति में कोई संदेह का स्थान नहीं है, तुम्हारे अभ्यास में थोड़ी कमी है, थोड़ी दृढ़ता ले आओ। और इस बात पर वो तीर के तरह चुभ गई गुरु के मन में वो बात। और जब बैठे पूरा निष्ठा के साथ बैठे ध्यान करने के लिए, तो सारे भ्रम उनके टूट गए। और अंतिम में कहते कहते यही कहा, ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदु लखी, लाल भानु झलकी बजत विविध विध अनंत सोरा, पांच मंडलों की संत मते का सार भेद, यह बात कही उनकी, समझा में ही लखा नमूना। बात है सदीद की, में ही बाबा ने नमूना देख लिया, लखा नमूना। और बात है सत की, इस बात को समझा और वो नमूना अपने अंदर में देख लिया कि ये सच्ची बात है और सबों के कल्याण की बातें हैं। तो पूरा पूरा विश्वास करके पांच पापों से सदाचार के पुष्प से अपने हृदय की बगिया को सजने दीजिए, खूबसूरती आने दीजिए। ये पांचों पापों से बचने से ही आपके हृदय की बगिया सजने लगेगी, मन में भी अजीब सी क्या कहते हैं शांति का एहसास होगा। जब पांचों पापों से आप बच करके चलेंगे, थोड़ी कम कमाई हो जाएगी, कम ही कमाई में एकदम ऐसो आराम, क्या कहते हैं बहुत सुकून के साथ आप जिएंगे, उतना में ही बरकत होगा। कभी कहीं अंदेशा नहीं लगेगा कि हम चुरा के लाए हैं कि डकैती करके लाए। जेल में रहेंगे तो वहां भी क्रिमिनल का डर लगा रहेगा, और घर में रहेंगे तो वहां भी बॉस का डर लगा हुआ रहेगा। तो थोड़ा कम ही कमाएंगे, पांचों पापों से बच करके रहेंगे तो ये सदाचार के पुष्प से आपसे हृदय की बगिया सजेगी। और इसके लिए कहते हैं सदाचार जग में अलौकिक सुमन है, हृदय वाटिका को सजाना पड़ेगा। तो इसके लिए मद मान मत सरिये, दुर्गुण है जितने इन्हें कोस लाखों, भगाना पड़ेगा। तो ये सारे विकारों को दूर भगाइए, सदाचार के पुष्प से अपने हृदय को सजा करके रखिए। और संत सदगुरु के चरणों में अटल प्रीति और पूरा पूरा विश्वास रख करके इस प्रकार अगर भजन करना चाहते हैं ये काम हमको करना पड़ेगा। और जो समय बीत गया जाने दीजिए, बच्चे की बहुत कीमत है। अंतिम समय में भगवान बुद्ध के पास गए एक वृद्ध आदमी, 129 वर्ष का बूढ़ा आदमी, और आनंद को कहा कि हमें दीक्षा दिलवा दो। बोले भगवान अब जाने के लिए तैयार हैं, अब किन्हीं को दीक्षा नहीं देंगे। तो अंदर से आवाज आती कि आनंद आने दो उनको, मैं उसी के लिए रुका हुआ हूं। और वो 129 वर्ष का बूढ़ा अनिरुद्ध
और वो भगवान बुद्ध से अंतिम समय में दीक्षा लिया है। सब लोग भगवान बुद्ध के जाने पर रो रहे थे और वो आंखें बंद करके बैठ करके ध्यान कर रहे थे। 24 घंटे तक वो ध्यान में ही रह गए। इसी बीच में कब समाधि लगी, 24 घंटे के बाद समाधि भंग हुई, तो वो 129 वर्ष का बूढ़ा अनिरुद्ध आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका था। आपके आप अपने जीवन में जब जाएगा तभी से मेरा इन बातों को याद रख करके समय पर ध्यान करें, सत्संग करें, पांचों पापों से बचा कर रखें, बढ़िया बोली रखें, प्रेम बांटने का काम करें, दया बांटने का काम करें। लोगों में अगर कमी बेसी है तो आप अपनी कमी को भी देखिए कि हमें कुछ कमी तो नहीं है। अब आप में कमी है तो दूसरे की कमी क्या देखनी है, उनकी अच्छाई को देख करके थोड़ी थोड़ी अच्छाई से अपने हृदय को सजाते रहिए। समय पर ध्यान सत्संग करें, सबका भला हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।